दोस्तों मेरे साथ अब हुज़ैफ़ा भाई मौजूद हैं। हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने से पहले हुज़ैफ़ा भाई, आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी है। इसके बाद हुज़ैफ़ा भाई, आप मुझे बताइएगा कि आप 14 अगस्त पे कैसे सेलिब्रेशन करते हैं? हम 14 अगस्त में सिर्फ छत पे झंडा लगाते हैं और कमरे में झंडियाँ वगैरह सब सजाते हैं, और बाज़ारों में आप देख सकते हैं कितना रश होता है 14 अगस्त में। और ये जो पुलिस ने जो टाइम दिया हुआ है कोविड-19 की वजह से, 9-8 को लोग सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और लॉकडाउन आया हफ्ता जो हुआ, तो इसी वजह से इस बार इतना 14 अगस्त का नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया बोर होती क्या। तो हुज़ैफ़ा भाई, आप 14 अगस्त पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 14 अगस्त में फिर सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि जो कश्मीर और फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, उसमें हमें ये एहसास हुआ कि आज़ादी कितनी अहम चीज़ है, और आज़ादी से हमें ये सीख मिलने को या कि आज़ादी एक रहमत है, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा भाई आपका।